दोस्तों रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकल लिमिटेड की आईपीओ आ रही है। अगर आप ये कन्फ्यूजन में है कि कैंपस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या फिर रेनबो आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। आप बिंदास होकर कैंपस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कैंपस आईपीओ में लिस्टिंग गेन तो मिलेगा, उसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कैंपस आईपीओ का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेनबो आईपीओ के बारे में बात करेंगे, कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल्स कैसी है, वैल्यूएशन कैसी है, कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या है, आईपीओ डिटेल्स, इस आईपीओ के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, एंड लास्ट में रेनबो आईपीओ को हम कैंपस आईपीओ के साथ कंपेयर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब के एल्गोरिथम लाइक्स के आधार पर वीडियो को अंडररेटेड या फिर आगे रिकमेंड करती है, इसलिए आप सब इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम 100 लाइक्स एम रखते हैं। पहले बात करते हैं कंपनी के बेसिक डिटेल्स। 1999 में कंपनी अपनी फर्स्ट पेडियाट्रिक स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैदराबाद में ओपन किया था। यह कंपनी मल्टी स्पेशलिटी पेडियाट्रिक ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनाकोलॉजी हॉस्पिटल चेन इंडिया में ऑपरेट करती है। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकल लिमिटेड 6 सिटीज में ऑपरेटेड है, जिसमें 14 हॉस्पिटल्स एंड 3 क्लिनिक्स के साथ 1500 बेड शामिल है। कंपनी एक फुल टाइम डॉक्टर मॉडल पर काम करती है, जहाँ पे 24/7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, जो विशेष रूप से चिल्ड्रेन इमरजेंसी, न्यू बॉर्न एंड पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर सर्विसेज की देखभाल करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 30 सितंबर 2021 तक कंपनी के पास 602 फुल टाइम डॉक्टर्स एंड 1686 पार्ट टाइम डॉक्टर्स थे। कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स डिजीज को मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपर्टीज के साथ साथ ये इंडिया के लीडिंग पेडियाट्रिक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर चेन है। कंपनी के ग्रोथ, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सपोर्ट के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड सीनियर मैनेजमेंट टीम भी है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो 2019 में कंपनी को 44 करोड़ 59 लाख रुपीस, 2020 में 55 करोड़ 34 लाख रुपीस, 2021 में 39 करोड़ 57 लाख रुपीस एंड 2022 मतलब अभी तक 126 करोड़ 41 लाख रुपीस तक का प्रॉफिट टैक्स देने के बाद कंपनी को हुआ है। आईपीओ वैल्यूएशन की बात करें तो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस 4.36 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी RONW 8.88% है। नेट एसेट वैल्यू यानी NAV 48.82 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। ये आईपीओ 27 अप्रैल को ओपन हो रही है, क्लोजिंग डेट 29 अप्रैल 2022 है। आईपीओ की साइज 1595 करोड़ रुपीज़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 280 करोड़ रुपीज़ एंड ऑफर पर सेल यानी OFS में 2.40 लाख 900 इक्विटी शेयर सेल किया जाएगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। प्राइस बैंड 516 रुपीज़ से 542 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। ये बहुत NSE एंड BSE में लिस्ट होगा। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% कोटा, QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर्स के लिए 50% कोटा एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NII के लिए 15% कोटा रखा गया है। इसके लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 27 शेयर्स है, एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। आईपीओ अलॉटमेंट से लिस्टिंग डेट की बात करें तो 5 मई को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 6 मई को आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट मिला है तो 9 मई को आपके डिमांड अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा। 10 मई को कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। देखिए दोस्तों, हम किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। रेनबो आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 रुपीज़ चल रहा है, मतलब अगर सब कुछ सही रहता है तो हमें 5-10% तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। क्योंकि सेम टाइम में 2 IPOs ओपन हो रही है, तो मेरा ज़्यादा झुकाव कैंपस आईपीओ की तरफ है। कैंपस आईपीओ की GMP 85 रुपीज़ चल रहा है, मतलब कैंपस आईपीओ की प्राइस 292 रुपीज़ है एंड ये शेयर मार्केट में 377 रुपीज़ में लिस्ट हो सकता है। तो कैंपस आईपीओ में हमें 30-35% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, जहाँ पे रेनबो आईपीओ में हमें सिर्फ 5-10% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगर बिजनेस मॉडल की भी बात करें तो कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड फुटवेयर की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है। फुटवेयर के मामले में इंडिया वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 2030 तक 8 गुना बढ़ सकता है। तो यहाँ पे अगर बिजनेस बढ़ेगी तो कंपनी की शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो कैंपस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के साथ साथ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल रहा है। तो लिस्टिंग गेन एंड फ्यूचर को देखते हुए मुझे कैंपस आईपीओ में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। रेनबो आईपीओ मुझे न्यूट्रल जैसा लग रहा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड कैंपस आईपीओ का डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जरूर से चेक करें। अब बात करते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बिना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के
आप आईपीओ एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दो डिस्काउंट ब्रोकर सजेस्ट करूंगा, ऑफस्टॉक एंड एंजल वन। दोनों में अकाउंट बनाना बिल्कुल ही फ्री है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें अकाउंट बन जाने के बाद आप रेफर करके भी इसमें से पैसा अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ, अकाउंट बनाओ, रेफर करो एंड अर्न करो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए। चैनल में नए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तब भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज जल्द से जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए आपको दिल से थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।